पॉन्ड वाटर फिश कैचिंग कुकिंग एल्युमिनियम पॉट। एक ट्रॉली ऑटो जा रहा था, उसे चलाने वाले का नाम था लालू और उसके पास बैठा था पप्पू। दोनों चोर थे। उस ट्रॉली ऑटो में एक मोटर पंप था। लालू, अरे यार, ये मछलीपुर और कितनी दूर है? तुमने कहा कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं और मुझे ले आए अपने साथ। वैसे तुमने सच कहा ना? तब पप्पू, अरे सच कह रहा हूँ यार, उस इलाके में बहुत बड़े बड़े तालाब हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है यार, वरना मैं तुमसे झूठ कहूँगा क्या? आज हम खूब पैसे बनाएंगे। भाई मेरा यकीन करो। यू वो अपने ऑटो ट्रॉली के साथ एक मछलियों वाले तालाब के पास पहुँचे। उस तालाब का एक रखवाला खड़ा था। ये दोनों ऑटो ट्रॉली से उतरे पप्पू लालू से। मैंने कहा था ना भाई, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, देख लो आज अपनी किस्मत खुल गई है। लालू, अरे हाँ यार, सच कह रहे हो, चलो चलो अपना सामान उठाओ। इस तरह दोनों कुछ शराब की बोतलें, ग्लास और चिप्स के पैकेट लेकर उस पहरेदार के पास गए। पहरेदार इनसे, ए तुम दोनों हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए? तब लालू, अरे भैया तुम टेंशन ना लो, हम दोनों टूरिस्ट हैं, हमने सोचा ये जगह बहुत बढ़िया है, क्यों ना यहाँ पे थोड़ी सी दारू पी जाए। क्यों, हमारे साथ तुम भी पियोगे? तब वो पहरेदार, वो ऐसा है। तब पप्पू, लगता है भाई साहब जरा हिचकिचा रहे हैं। अरे भैया तुम तकल्लुफ ना करो, हमारे साथ बैठो, दो पैग लगाओ, बस मजा आएगा। वैसे आप किस गांव के हो? पहरेदार, भाई हमारा किस्मतपुर है। लालू, क्या कहा, किस्मतपुर? अरे भाई हम भी किस्मतपुर के हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारा किस्मतपुर और मेरा किस्मतपुर, हमारा किस्मतपुर, तुम्हारा किस्मतपुर और मेरा किस्मतपुर, हो गया हमारा किस्मतपुर, हे हे कहकर नाचने लगे। तब वो भी, तुम्हारा किस्मतपुर और मेरा किस्मतपुर, भाई हमारा किस्मतपुर, हे हे करके वो भी नाचने लगा। यूं तीनों बैठकर पीने लगे। ये दोनों पीने का नाटक करने लगे और पहरेदार को खूब शराब पिलाने लगे। बस पीकर वो सो गया। तब उन दोनों ने ऑटो से मोटर पंप को निकाला और उसे तालाब के किनारे रखकर उसे ऑन किया। यूं उस मोटर ने तालाब का सारा पानी खाली किया। बिना पानी के सब मछलियां छटपटाने लगे। तब दोनों ने उन सारी मछलियों को ऑटो ट्रॉली में डाला। उसी जगह पर उन दोनों ने एक एल्यूमिनियम के बर्तन में मछली पकाकर खाने लगे। और फिर वहां से चले गए। बाजार में उन मछलियों को बेचकर उन्होंने पैसे कमाए। फिर उन पैसों से शराब पी और मस्ती करने लगे। यूं वे गांव-गांव जाने लगे और तालाब से मछलियों को पकड़कर उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगे और ऐश करने लगे। उन तालाबों के मालिक सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर से शिकायत करने लगे। पुलिस वालों के समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे पकड़ें और वो अपने सर पकड़कर बैठ गए। एक दिन वे दोनों एक मछलियों वाले तालाब के पास पहुंचे। वहाँ के पहरेदार को इन्होंने बातों में उलझाया और उनके साथ दारू पीने के लिए कहा और पूछने लगे, भाई साहब आप कौन से गांव के हैं? तब वो व्यक्ति, भाई हमारा तिहार है। तब पप्पू, क्या तिहार? अरे भाई तुम्हारा तिहार, हमारा तिहार, हम दोनों का तिहार, हम सबका तिहार, कह के नाचने लगा। तब वो आदमी भी, हाँ भाई हमारा तिहार, तुम्हारा तिहार, हम सबका तिहार, लेकिन तुम्हारा तिहार जेल है भाई, तुम सीधा
कहाँ जाओगे? अब तुम जाओगे तिहार जेल में, ओए ओए जाओगे तिहार जेल में, कहकर नाचने लगा। ये दोनों उसे हैरान होकर देख रहे थे। तब वो आदमी, क्यों बच्चों हैरान हो गए हैं? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का सर्कल इंस्पेक्टर हूँ। तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमारा टीम 4 दिन से इंतजार कर रहा है। कम ऑन बॉयज। यूं कहते ही पुलिस ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया, फिर इन दोनों को खूब मारा और फिर इन्हें जेल में डाल दिया। प्लास्टिक कंटेनर्स, खरबूजा टेरेस गार्डन, खरबूजा शरबत। तिमापुर नाम के एक गांव में पशुपति नाम का एक किसान रहता था। उसके भिक्षापति लक्ष्मीपति नाम के 2 बेटे थे। भिक्षापति होशियार और नेक इंसान था, लेकिन लक्ष्मीपति बुरा इंसान था, ऊपर से थोड़ा बेवकूफ भी था। दोनों की शादी हुई और बच्चे भी थे। लक्ष्मीपति को भाई भिक्षापति बिल्कुल नहीं पसंद था, हमेशा लड़ाई करते रहता था। पशुपति का बड़ा सा खेत, उसके पास एक पुराना परदादा के समय का घर था। भिक्षापति और उसकी पत्नी बड़ी मेहनत से खेत में काम करते थे, लेकिन लक्ष्मीपति जब देखो शराब पीकर जुआ खेलता रहता था। उसकी पत्नी घर पर बैठकर टीवी देखती रहती थी। घर के सारे काम पशुपति की पत्नी ही करती थी। एक दिन पशुपति, बेटे तुम दोनों को जायदाद बांटकर तुम्हारी माँ और मैं काशी यात्रा जाने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए वो खेत और वो पुराना घर दोनों में बराबर बांटने के लिए एक वकील साहब को आने के लिए कहा था। यूं कहा लक्ष्मीपति की पत्नी, यहाँ आपको किस बात की कमी महसूस हो रही है कि आप काशी जाने की सोच रहे हैं? हम अच्छे से तो देख रहे हैं ना। यूं बोली तो भिक्षापति की पत्नी, तुम तो सासू माँ को जरा सा कॉफी तक नहीं देती, तुम उन्हें अच्छे से देख रही हो, झूठ की भी हद होनी चाहिए। यूं बोली लक्ष्मीपति, ए भाभी सोच समझ कर बात करो, वो और मैं कितना मेहनत कर रहे हैं जानती हो? पशुपति, देखो बेटा तुम दोनों कितने मेहनत कर रहे हो ये सबको पता है, बेकार में बात मत करो। लक्ष्मीपति, हाँ बड़े आए दोनों को एक समान देख रहे हो क्या? आप अगर मुझे उतना ही पसंद करते हो तो वो खेत मेरे नाम करो और घर बाई के नाम लिखो, देखते हैं। वो तो आप करोगे ही नहीं, लेकिन बड़े बड़े बातें जरूर कर लोगे। यूं कहा पशुपति, अरे मेरे लिए तुम दोनों एक ही हो, ये मैंने तुमसे कितने बार बताया, लेकिन तुम्हारी ये स्वार्थ सोच जो है वो समझ नहीं आ रहा है। स्वार्थी ही नहीं तुम बहुत घमंडी भी हो। तुम अगर साबित करना ही चाहते हो तो भाई के साथ मुकाबला करके जीतो, पूरा खेत तुम्हारा नाम पर लिख कर दूंगा, लेकिन वो जीतेगा इसका भरोसा मुझे है। यूं कहा लक्ष्मीपति, ये मुकाबला के लिए मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना है, मैं जरूर जीतूंगा। भिक्षापति, पिताजी जो विश्वास आप मुझ पर दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद, बताइए क्या मुकाबला करना है। यूं कहा पशुपति, तुम दोनों को खरबूजे उगाना होगा, उन्हें मार्केट में बेचकर पैसे कमाना होगा, जो ज्यादा कमाएगा वही जीता। लक्ष्मीपति तुम खेत में खरबूजा उगाओ, भिक्षापति तुम पुराने घर में उगाकर दिखाना होगा, यही शर्त है। यूं कहा लक्ष्मीपति। अच्छा हुआ खरबूजा घर पर कैसे उगाओगे भैया? यूं हंसने लगा पशुपति। यही उसकी होशियारी की परीक्षा है, इसमें वो जरूर कामयाब होगा, देखते रहो। यूं कहा भिक्षापति सोच में पड़ गया। अगले दिन लक्ष्मीपति खेत में खरबूजे के बीज बोकर पानी डाला और अपना काम शुरू किया। भिक्षापति प्लास्टिक कंटेनर्स लेकर उस पुराने घर के छत पर रखा, उसमें खरबूजे के बीज डालकर पानी डालने लगा। इस तरह दोनों रोज उसमें दवाई उर्वरक सब डालकर पानी भी डाल रहे थे। कुछ दिन बीत गए, अब खरबूजे के पौधे बड़े हुए, फल उगे। लक्ष्मीपति अपने खरबूजे काट कर मार्केट में ले जाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाया, लेकिन भिक्षापति अपने खरबूजों में से कुछ खरबूजे मार्केट में बेचा, बाकी खरबूजे को अपने बंडी पर रखकर खरबूजे से शरबत बनाकर बेचा। आखिरकार दोनों आकर पिता को पैसे दिए। पिता ने हिसाब करके, लक्ष्मीपति तुम्हारे भाई ने ही ज्यादा पैसे कमाया इसलिए वो ही जीता, वो कम फसल उगाया लेकिन फिर भी अपनी होशियारी से उनके साथ शरबत बनाकर बेचने के वजह से ये मुमकिन हुआ। अब बेटा ये ईर्ष्या छोड़ो और होशियार बनो। यूं कहा तब लक्ष्मीपति को समझ आया और भाई से पिता से वो माफी मांगा।